हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटल। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिन इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, पता नहीं मेरी आवाज़ की वजह अचानक से हड़बड़ा गई, क्योंकि मुझे ना एकदम ऐसा लगा अचानक से ना उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कहना कुछ चाहता है इंसान, कुछ और कह रहा है, या फिर दिल की बात नहीं कह रहा, क्योंकि इनके दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नाराज़गी, गुस्सा, तकलीफ, जलसी और भर भर के प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन उस बात को ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कह नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। फॉर श्योर इनका कम्युनिकेशन आ सकता है अचानक से, अचानक से, क्योंकि इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो जाए, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ना एनर्जी ना शिफ्ट अचानक से हो सकती है, अचानक से शिफ्ट हो सकती है। ये आपको ना खोने से डर रहे हैं, मतलब जैसे बहुत मुश्किल से आपको पाया है, माना के साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट समाओ खोने से बहुत डर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ना आप मिरर कर रहे हो इन एनर्जीज को। हो सकता है कि आपको मिरर एंजल नंबर दिख रहा हो, क्योंकि मिररिंग ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, मिरर दिख रहा है मुझे, मिरर ऑफ एनर्जीज। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि दोनों के मन में ना एक ख्याल है ना, जो एकदम कम्प्लीटली थॉट, एक चीज़ है चल रही है, कि वो है पास्ट में जो हुआ है ना आप लोग के साथ, रिलेशन में हो या आप लोग का ही रिलेशन में जो चलते आया है, ऑन एंड ऑफ हो, या लड़ाई झगड़े हो, प्यार भी हो, हर चीज़ ना प्यार से ज़्यादा वो लड़ाई झगड़ा और वो सब एक खोने का डर, या फिर कुछ गलत होने का डर, ये सारी चीज़ें ना आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करिए, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करिए। इनकी ख्याल है ना एक जगह पे नहीं टिक रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। और ऐसा लग रहा है ना कि दोनों की तरफ है ना एक ही एनर्जी है, कि जैसे प्यार करते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, सामने से जाके बात करनी चाहिए या फिर इनको समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। और इनको नहीं पता कि करना क्या चाहिए, आपके सामने जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि आपको और हर्ट ना करें, आपको और तकलीफ ना दे। डेफिनेटली एक कनेक्शन है जो सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और स्पेशली मुझे गणपति जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा फील हुई, गणेश जी की ब्लेसिंग्स है, और जैसे ऑब्स्टेकल रिमूव करने की एनर्जी, विघ्नहर्ता, जैसे बोलते हैं ना ऑब्स्टेकल आपके जो लव लाइफ में है, इसी यहाँ पे ना जिस तरह से एनर्जी है ना ऑब्स्टेकल रिमूव करने, इस इंसान का ना अचानक से आपको कॉल मैसेज आ सकता है या मिलने हो सकता है, और स्पेशली एट अ 12th पोर्टल उसका इफेक्ट हो या उस दिन हो, या क्योंकि वहाँ पे मुझे न्यू मून की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि कुछ तो नई शुरुआत है,
111 एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो, न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब दोनों की तरफ है ना कोई एक इंसान है, या तो आपकी तरफ है या उनकी तरफ है, ऐसा कोई इंसान है ना जो उनको या आपको ना भड़का रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है या समझा रहा है। हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो, बट समाव उनकी ऐसा एनर्जी है ना कि भाई रहने दो, भूल जाओ, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब पॉजिटिव जगह निगेटिव ऐसा नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक वार्निंग वार्निंग, या फिर नहीं चाहते कि आप एक हों। या तो जेलसी है या तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मतलब मान लीजिए कि आपकी तरफ ऐसा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो जिससे आपका मतलब आप जानते हैं वो रिश्ता, वो पर्सन जानते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, कितने आप इस इंसान के लिए लाइक तड़पे हो एंड काइंड ऑफ। तो अभी जिस तरह से आप थोड़ा थोड़ा स्टेबल होते जा रहे हो ना, तो आपकी जो आसपास की जो दोस्त है या कोई रिलेटिव है या कोई कोई तो है जो मतलब जिससे आप शेयर करते आए हैं, वो पर्सन नहीं चाहते कि आप लोग एक हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है पहले तो एक एक फैक्टर जेलसी अगेन, या फिर मतलब वो वापस आपके लाइफ में वो दुख ना आए या फिर आपके लाइफ में वो खुशियाँ ना आए। जेलसी है तो खुशियाँ नहीं है, और कंसर्न है तो दुख ना आए, ऐसी वाली एनर्जी। वो इंसान नहीं चाहते कि वो आप दोनों एक हो जाओ। बट जो भी होना है ना वो ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब होगा। और जो आपका मिलना है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होना है, हर चीज़ है ना वो ईश्वर की मर्ज़ी होगा, वो ईश्वर की मर्ज़ी होगा, आप चाहे या ना ही चाहे, ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। क्योंकि ऐसा लगा ना कि जैसे क्लोजर या कुछ एंडिंग, कुछ तो है जो क्लैरिटी जो बाकी थी, एटलीस्ट वो तो मिलनी है, एटलीस्ट वो तो मिलनी है। हो सकता है ना कि किसी लास्ट मीटिंग के चलते आप लोग मिलो, बट उस लास्ट मीटिंग में आपकी दोनों की थॉट प्रोसेस इतनी चेंज हो सकती है कि यू कॉन्ट से दैट, क्योंकि आप काफ़ी अरसे के बाद या अपने एक एनर्जी चेंज के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, और वो चीज़ है ना एक दूसरे के लिए बहुत ही अलग फीलिंग लेके आ रही है। अभी वो पहले वाली नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा मच्योर एंड समझदारी वाली फीलिंग है। इस रिश्ते ने काफ़ी ज़्यादा ना उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा दूरियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है, लेकिन अभी इस रिश्ते में ना इस रिश्ते की वैल्यू समझने की ताकत आ गई है। इस रिश्ते में अभी इस रिश्ते की वैल्यू समझने की ताकत आ गई है। इनिशियल इनके एफ हो सकते हैं, जी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, नंबर्स में मुझे 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी फील हो रही है। अचानक से कुछ हो सकता है, अचानक से कुछ कॉल मैसेज, अचानक से इनका मिलना, अचानक से इनका टकराना फील हो सकता है। आपके मैनिफेस्टेशन है ना, माना कि अभी नहीं करे आप, लेकिन पहले जो किए थे ना अभी सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि अभी एक्चुअली मैनिफेस्टेशन हो रहा है, एक्चुअली मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अब दिल से याद कर रहे हो बिना किसी उम्मीद, और जो भी है बस है वो है, इसी एनर्जी में है। बट समाव लाइक मैनिफेस्टेशन वर्किंग वाली एनर्जी है, इनके है या आपके है, दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशन है, इनका भी मैनिफेस्टेशन है। कहीं ना कहीं इंसान है ना जाने अनजाने में आपको बहुत याद करता है, बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी में ना कि जहाँ पे एक अलग ही जोन में जाते हैं, किसी को कह नहीं पाते, बट ये इंसान के दिल में सिर्फ आप हो, दिल में सिर्फ आप हो। जिम्मेदारी हो सकती है, काम हो सकता है, कुछ भी लाइक ना मैरिड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट दिल में तो आप हो। एक बात श्योर हो जाती है ना इनके दिमाग दिल में कि आपके जैसा कोई नहीं है, और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता, और कितना भी अच्छा इंसान हो बट आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। और इनके लिए लाइक यू आर परफेक्ट फॉर मी, ऐसी वाली मैसेज फील हो रही है मुझे, यू आर परफेक्ट फॉर मी।
अब जो भी है जैसे भी है उनके लिए ही परफेक्ट है, उनके लिए एकदम कस्टमाइज्ड, जैसे यूनिवर्स ने कस्टमाइज किया आपको, और सेम वे आपको भी वैसे फीलिंग आ रही है। फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। सो मैंने जैसे फील किया ना, एक मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन। दोनों भी एक तरीके से, जितना दिल से प्योरिटी हार्ट से सोच रहे हो, ये लाइक ना ठीक है, जो है वो है, यूनिवर्स की मर्जी, ये सोच के आप जब बैठे हो ना, दोनों भी ईश्वर ने चाहा तो एक दिन, एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट। अपनी लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश, क्योंकि शांति कहीं पे नहीं है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अपनी सोल को ना लिटरली वो फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि अजीब सी घुटन है, सिर्फ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम ये वो सब चीज़ें लाइक कुछ भी है, लेकिन अपनी सोल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो नहीं फील कर पा रहे हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपके साथ ही चाहते हैं, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये वाला द लवर्स। एक दूसरे को इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ इतना देख रहे हो ना कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे को खींच रहे हो। मुझे लगता है आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ज़रूर हो रहा है ड्रीम्स में, या कहीं ना कहीं आप दूसरे को मिरर भी कर रहे हो और कनेक्ट भी कर रहे हो। कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो चुका है, आई चूज टू बी विथ यू, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इनके मन में जो द्विधा मनस्य दिए ना, वो अगेन मुझे ये फील हो रहा है कि ये आप या कोई और, ये वाला सिचुएशन नहीं है, अभी चीज़ आप ही हो, लाइक ना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि आप ही हो, लेकिन इसका आगे क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। ये काफ़ी हद ज़्यादा ना एक ऐसे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में अपने आप को ना एक शेल में रखना चाहते हैं, जैसे ना ये जैसे इंसान नेस्ट में जैसे छुपा हुआ और ये वाला चीज़ है ना, वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अचानक से इनका कॉल मैसेज आ सकता है, और जैसे मैंने कहा ना एक दूसरे के लिए बने हों, क्वीन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। अभी ज़्यादा दिमाग से आप लोग सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है नहीं हो सकता, बट सोच तो एक ही जैसे रहे, देख तो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। यहाँ पे भी है किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी वही है, एक दूसरे के लिए बने होना। मैंने कहा ना कि एक दूसरे के लिए बने होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। सो आपका मिलना तो कोई नहीं रोक सकता, ऐसे वाली एनर्जी। अगेन ट्वेल्थ पोर्टल का इफेक्ट उसके ऊपर बहुत असर करेगा, इससे पहले भी शुरू हो सकता है, और वो सब चीज़ है, अगेन डिपेंड ऑन योर आपकी एनर्जी ऑरा कितना स्ट्रांग हो चुका है उसके ऊपर है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।